कराची सिविल अस्पताल कराची में आने वाले हजारों मरीजों और तैमारदारों से ईदगाह ट्रैफिक सेक्शन साउथ पुलिस एहलकारों की लूटमार का सिलसिला जारी। खवातीन बच्चों और बुजुर्गों के साथ आने वालों की मोटरसाइकिलों को उठाकर ले जाते हैं और इनसे लिफ्टर और चलान के नाम पर खुलेआम भुत्ता और रिश्वत वसूली की जा रही है। मियां और बीवी अपने बीमार बच्चे जिसे कनोला लगा हुआ था ट्रैफिक पुलिस के एहलकार बीमार बच्चे समेत ईदगाह ट्रैफिक चौकी ले गए जबकि खातून को फुटपाथ पर बिठाकर चले गए। ईदगाह ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की मनमानियों के खिलाफ SSP ट्रैफिक पुलिस साउथ और DIG ट्रैफिक पुलिस कराची भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इस जमन में मारूफ इंसानी और समाजी हकूक के रहनुमा फहीम सदीकी एडवोकेट ने कहा कि अवाम में कानून का शऊर न होने की वजह से ट्रैफिक पुलिस की मनमानियों में इजाफा हो गया। महकमा ट्रांसपोर्टर सिंध, महकमा बल्दियात सिंध बल्दिया आला कराची समेत ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो अवाम में ट्रैफिक कवानीन की आगाही पैदा करे ताकि शहरी पुलिस में मौजूद काली भेड़ों की लूट मार से बच सकें। इंसानी और समाजी हकूक के रहनुमा फहीम सदीकी ने वजीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध, IG सिंध, कमिश्नर कराची समेत तमाम कौमी और सूबाई के मेम्बरान से अपील की कि वो सरकारी अदारों और ट्रैफिक पुलिस में मौजूद काली भेड़ों और करप्ट एहलकारों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और सिविल अस्पताल में पार्किंग के मसाइल हल किए जाएं। रिपोर्ट ब्यूरो चीफ सिंध, वसीम अब्बास।